हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे आपको अपनी आटा चक्की की टकाई कब करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी दूंगा कि आप किस तरह के से पता लगा सकते हैं कि आपकी चक्की जो है वो टकाई मांग रही है। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से, क्योंकि कई लोगों का सवाल आ रहा था कि हमें आप ये बताइए कि हमें अपनी चक्की की टकाई कितने दिनों बाद करना चाहिए, या फिर कितना माल पीसने के बाद टकाई करना चाहिए, या फिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी चक्की टकाई मांग रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके जितने भी टकाई से जुड़े हुए कन्फ्यूज़न हैं या सवाल हैं, उन सारे सवालों का आज मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपका सवाल हो या किसी नए टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाह रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी जल्दी एक वीडियो बना लेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारे आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके लिए एक बात बता दूं, जो आपकी चक्की की टकाई है वो दिनों पर डिपेंड नहीं करती कि आपको कितने दिनों बाद चक्की की टकाई करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप अपनी चक्की को कितना चला रहे हैं, कितना माल उसने निकाल दिया है, और पिछली बार आपकी की टकाई करी है वो किस लेवल की टकाई करी है, नाली कितनी गहरी बनाई है, पेठे कितने उतारे हैं आपने दोस्तों, और कितना आप बारीक आटा पीस रहे हैं दोस्तों, और किस तरीके का आपका गेहूँ आ रही है। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी चक्की की टकाई कितने दिनों तक चलेगी दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि आपको अपनी चक्की की टकाई कब करनी है दोस्तों, तो इसको सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों कि जब आपने अपनी चक्की की टकाई करवाई थी, उस वक्त आपकी चक्की का जो आटे की क्वालिटी थी वो कैसी आ रही थी, ये आपको याद रहनी चाहिए। यानी आटा कितना गर्म आ रहा था दोस्तों, और वो कितना बारीक कर रहा था उस वक्त, और कितनी दाम में कितना बारीक हो रहा था, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जब आप अपनी चक्की की टकाई कुछ दिन हो जाएँ, जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि टकाई आस पास है दोस्तों, तो अपने आटे को देखिए आटा कितना गर्म आ रहा है। अगर आपका चक्की का आटा थोड़ा दोस्तों ज़्यादा गर्म आ रहा है, ये हो दोस्तों आपका जो चक्की का आटा है वो चिकना भी आ रहा है, और जो आपकी चक्की की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो गई है दोस्तों। यानी मान लीजिए 10-20 किलो आपका पर घंटे कम आटा निकाल रही है, और आटा थोड़ा जला भी ज़्यादा रही है, तो आप समझ लीजिए आपकी चक्की की टकाई मांग रही है, उसकी आप टकाई जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपके लिए बतलाया। इसके अलावा अगर आप दिनों की पूछें दोस्तों कितने दिनों में करना चाहिए, तो दोस्तों इसमें दिन कन्फर्म नहीं रहते, मैंने पहले भी आपको बतलाया, ये डिपेंड करता है आप चक्की कितनी देर चला रहे हैं दोस्तों, ये इस पे डिपेंड करता है। और दोस्तों, कई लोगों का यह सवाल भी था कि हमें कितने कुंटल माल पिसाई करने के बाद टकाई करना चाहिए दोस्तों, तो ये भी कंफर्म नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों जो चक्की के आपके पार्ट होते हैं वो अलग अलग कंपनी के होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो दोस्तों कई पार्ट थोड़ा ज़्यादा भी चलते हैं, कई पार्ट थोड़े कम भी चलते हैं, तो माल के हिसाब से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम कितने माल लगभग पीसने के बाद टकाई करें। क्योंकि दोस्तों, जो मैंने पिछला आपको तरीका बताया वो सबसे आसान तरीका है, उस तरीके से आप अगर अपनी चक्की की टकाई करेंगे तो दोस्तों आपकी चक्की के जो आटे की क्वालिटी है वो भी अच्छी निकलेगी। फिर भी अगर अंदाजे के तौर पर अगर मुझसे पूछें, अगर मान लीजिए आपकी 16 इंची के आसपास ही कोई चक्की है, 16 इंच चक्की है, तो तकरीबन मैंने अभी आसपास की चक्की वालों से अंदाज़ा लगाया है, तो वो लगभग दोस्तों 25 कुंटल के आसपास वो लोग सब टकाई कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप कुंटल पर मत जाइएगा, आप अपने आटे की खुद क्वालिटी देखिए कि आटा कितना गर्म आ रहा है, कितना ठंडा आ रहा है, या फिर आटा कितना बारीक हो रहा है, तो आप कितनी लगाना पड़ रही है, हमारा कैपेसिटी कितनी थी पहले और अब कितनी है, मोटर के एम्पियर कितने, उस हिसाब से आप अपनी चक्की की टकाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपके जो टकाई से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न हैं, वो दूर होगा होंगे दोस्तों। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम जल्दी उसका जवाब आपको दे देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।